माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए तमाम आराधकों को आज सुबह रविवारी आराधना में हम आपका अभिनंदन करते हैं। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में चलें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से आपके पास आते हैं, धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए जो तूने हमारे जीवन में दी। हर रविवार को प्रभु हर एक आराधनालयों में इस प्रकार से इकट्ठे होकर हजारों लाखों की भीड़ में प्रभु आराधना तेरे आराधना करने के लिए लोग इकट्ठे होते, लेकिन प्रभु इस कोरोना वायरस की वजह से पूरा विश्व लॉकडाउन पड़ा हुआ है। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, ऐसे में भी प्रभु तूने इस टेक्निक के माध्यम से हम सबको मिलकर तेरी आराधना करने के लिए फजल दिया, उसके लिए तुझे धन्यवाद। इस संसाधनों के लिए जो तूने हमें दिए हैं ताकि इनके माध्यम से हम लोगों के साथ मिलकर तेरी आराधना कर सकें, उसके लिए तुझे धन्यवाद। सामर्थ्य परमेश्वर, आज सुबह हमारा गीतों को गाया जाना, प्रार्थना करना, वचन का सुनना और सुनाना सब तुझे पसंद आए। इस आराधना के विरोध में आने वाली हर अंधकार की ताकत को यीशु मसीह के नाम से हम दूर रहने के लिए आदेश देते हैं प्रभु। खुदावन्द प्रभु जी, शुरुआत से अंत तक इस आराधना के हर क्रम में आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए कुछ गीतों को गाकर हम उसकी आराधना में जाएंगे। हमारे साथ एनोश और स्तुति हैं, मिलकर हम उनके साथ प्रभु की आराधना करेंगे। यदि उन गीतों को जो ये गा रहे हैं आपको आता है, आप अपने घरों में बैठकर ताली बजाते हुए प्रभु की आराधना में हमारे साथ शिरकत हासिल कर सकते हैं। थैंक यू। हालेलुया, आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। सुबह के समय में हृदय की गहराई से परमेश्वर को आराधना चढ़ाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, अनुग्रहकारी, दयालु है, हमसे प्रेम करने वाला है, उसके जैसा कोई नहीं है। उस महान परमेश्वर की जहां कहीं आप हैं, हृदय की गहराई से आराधना करें, दिल को खोल के प्रभु को आराधना चढ़ाएं। हालेलुया, वो महान है, उसे धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं, अपने मुंह को खोल के धन्यवाद के बलिदान प्रभु को चढ़ाएं। आगे परमेश्वर ने आपके परिवार को, आपको संभाला, इन विषय परिस्थितियों में प्रभु आपको संभाल रहा है, ये धन्यवाद का विषय है। लोग परेशानियों से गिरे हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों से गिरे हुए, प्रभु ने आपको चंगा रखा है। धन्यवाद दे प्रभु को, धन्यवाद दे प्रभु को, अगर धन्यवाद को चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया, और आप और मैं इसीलिए बनाए गए कि हम परमेश्वर की महिमा करें। रिखा बनावा सके, ओ धन्यवाद, ओ यीशु राजा, तू महान है, तू महान है यीशु। हालेलुया, धन्यवाद 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 यीशु क्रिस्तु। अब तक संभाला है, अब तक संभाला है।
बाप का देंगे तुझे गाइए सुबह सुबह स्तुति बलि बाप का देंगे तुझे हाँ आराधना स्तुति बलि बाप का देंगे तुझे तेरी नजर एल रोही मुझ पर तेरी नजर एल रोही सुबह सुबह स्तुति बलि बाप का देंगे तुझे आराधना स्तुति बलि बाप का देंगे तुझे महान प्रभु है जो हमें ले चलता है। तू महान है प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं इस सुबह के समय। परमेश्वर हम तुझे आराधना चढ़ाना चाहते हैं क्योंकि हम ये जानते हैं प्रभु कि तेरे जैसा कोई नहीं है। इस बात का अंगीकार करते हैं परमेश्वर, तू ही महान है प्रभु।
बड़ी भोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ, आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता बड़ी भोर तेरे, बड़ी भोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ, आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता पिता को चढ़ाता। आइए हाथों को उठा के चढ़ाए, आराधना 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 प्रभु की, आ मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की, हर दिन के हर पल में तेरा यीशु ध्यान रहे, हर दिन के हर पल में तेरा यीशु ध्यान रहे, तेरे मुँह के वचनों से दूजों के भाव भरे, मेरे मुँह के वचनों सद होना है, कलाम को सुनाना मेरा मकसद होना है, तेरे नाम को सुनाने पूरे देश में जाना है, तेरे पूरे देश
मेरे यीशु राजा की प्रशंसा करते हैं क्योंकि तू महान है, सर्वव्यापी, सर्वोत्तम। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। इस समय सभी अपनी आंखों को बंद करके अपने अब्बा पिता परमेश्वर के सिंहासन के पास, चरणों के पास रहे। हर एक जन अपने आप को मध्यस्थता की प्रार्थना के लिए तैयार करे। इस देश को मध्यस्थता की प्रार्थना की जरूरत है। आइए सबके पास आशीष सामने के प्रार्थना में अगुवाई करें और आप सब, हम सब मिलके एक मन होके इस मध्यस्थता की प्रार्थना में जुड़ जाए। हाँ और आमीन के साथ परमेश्वर इस देश को बचा ले, इस अजमेर को बचा ले, हर एक राज्यों को बचा ले प्रभु, इस पूरे विश्व को तू बचा ले। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। सच में प्रभु तेरी आराधना हमारे जीवन से होने पाए, तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा हमारे जीवन से होने पाए। जिस प्रकार हमने गीत को गाया प्रभु, आराधना मेरे यीशु राजा की, आराधना उस पवित्र आत्मा की, आराधना प्रभु की। ये तेरा वचन यूहन्ना में कहता है कि तू आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढता है, और जो लोग आत्मा और सच्चाई से, हृदय की गहराई से तेरी आराधना करते हैं, वो आराधना तुझे पसंद आती है प्रभु, वो आराधना को तू ग्रहण करता है पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम विश्वास करते हैं तेरे बच्चों ने प्रभु एक अच्छी और एक सच्ची आराधना तुझे चढ़ाई है। हम जहां कहीं भी बैठे हैं इस समय, अपने घरों में जब हम बैठे हैं इस समय,
एक आराधना का बलिदान हमने उस परमेश्वर को चढ़ाया है और हम विश्वास करते हैं वो आराधना हमारे प्रभु को ग्रहण योग्य है। हालेलुया, हमारी आराधना को उस परमेश्वर ने ग्रहण किया है क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। हालेलुया प्रभु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जी हमें ऐसा बना दे प्रभु कि हमारे मुंह के वचनों से दूसरों के घाव भरने पाए। प्रभु जी हमारी बोली प्रभु नम्र होने पाए, हमारा जीवन नम्रता और दीनता से भरा हुआ होने पाए, हम अपने आप को शून्य करने पाए ताकि तू हमें प्रभु जी शिरोमणि बनाने पाए। तेरा वचन कहता है हम अपने आप को तेरे सम्मुख प्रभु जी दीन करें, हम अपने आप को तेरे सम्मुख प्रभु जी नम्र करें ताकि तू हमें शिरोमणि बनाने पाए। पिता परमेश्वर हमारे जीवन में लोग यीशु को देखने पाएं, हमारे जीवन में लोग यीशु के स्वभाव को देखने पाएं, हमारे जीवन में लोग यीशु की बातों को देखने पाएं, हमारे जीवन में लोग यीशु के उस वचन परमेश्वर के उस वचन को पूरा होते हुए देखने पाएं, हमारे जीवन से प्रभु तेरा वो वचन पूरा होने पाए, उस वचन पे चलने वाला हमारा जीवन होने पाए। जिस प्रकार प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि हमें तेरी चलती फिरती पत्रियां बना दे प्रभु ताकि लोग हमारे जीवन में हमारे जीवन को देख के प्रभु मसीह तुझको देखने पाए। पिता हमारे जीवन में लोगों को यीशु दिखने पाए तभी हमारा जीवन सार्थक है, हमारे जीवन से यीशु तेरे नाम की महिमा होने पाए। और जिस प्रकार दाऊद कहता है वो महिमा जिसके तू योग्य है प्रभु, वो योग्यता की महिमा हम तुझे चढ़ाने पाए पिता परमेश्वर, ऐसा हमारा जीवन को तू आज की सुबह बना दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी यदि हमारे जीवन में कोई कमी घटी है प्रभु तो तेरी स्वर्गीय आग के द्वारा उस कमी घटी को तू जला के नाश कर दे पिता, हमें पवित्र कर प्रभु जी, ताए हुए सोने के समान प्रभु हम पवित्र होने पाए, हमारे जीवन में कोई पाप ना होने पाए परंतु हमारे जीवन में यीशु दिखने पाए, हमारी बोली में यीशु दिखने पाए, हमारे जीवन में लोगों को आत्मा का वो फल दिखने पाए, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के वरदान से भरे होने पाए और तेरी महिमा के लिए तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु जी इस्तेमाल होने पाए। इस प्रकार पिछले दिनों में प्रभु तेरे दास ने सिखाया था वो वरदान जब तक आपके पास रहेंगे जब तक वो कलीसिया की उन्नति के लिए आप इस्तेमाल करोगे। जिस दिन आपका मकसद हट गया वो वरदान भी आप खो दोगे। होने दे प्रभु कलीसिया की उन्नति के लिए, तेरे उस वचन के प्रचार के लिए प्रभु जी, तेरी महिमा के लिए प्रभु उन वरदानों को हम इस्तेमाल करने पाए, ऐसा हमारा जीवन होने पाए, ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं एक बार फिर पिता परमेश्वर, टूटे हुए हृदय के साथ पिता परमेश्वर प्रभु जी, कोरोना के लिए प्रभु, बहुत समय हुआ प्रभु जी इस विषय के लिए निरंतर प्रार्थना करते हुए, बहुत समय हो गया प्रभु, अब हम तुझसे हमारी प्रार्थना के उत्तर को मांगते हैं। तू महान है प्रभु, तू महान है पिता परमेश्वर। इस प्रकार हम प्रार्थना कर रहे थे प्रभु कि हम कोरोना के पिता परमेश्वर उस हमारी प्रार्थना के उत्तर को हम मांगते हैं प्रभु, तू हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें दे दे पिता परमेश्वर, कोरोना को तू खत्म कर दे पिता परमेश्वर, इस संसार में से इस मानव जाति में से ओ कोरोना यीशु मसीह के नाम से खत्म होने पाए, ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। एक एक जन प्रभु इस समय जो कोरोना से ग्रसित है प्रभु वो बच जाए पिता परमेश्वर, और ना केवल वो बच जाए प्रभु उसका उद्धार हो जाए यीशु के नाम में, हम एक मन होकर ऐसी प्रार्थना किया चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस समय पिता परमेश्वर प्रभु जी भाई अनुग्रह के लिए, बेटे अनुग्रह के लिए प्रभु, जिसका 19/4 को प्रभु जी बर्थडे है प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर नरेश नायक का बेटा है जो तेरा दास है प्रभु, हम उसके लिए पिता परमेश्वर आशीष को मांगते हैं, उज्जवल भविष्य को मांगते हैं। जब वो बच्चा पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने डील डॉल में बढ़ता है पिता परमेश्वर, वो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह बढ़ता जाए, ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, तेरे दास के समान वो भी आगे चल के तेरी सेवा को अंजाम देने पाए, ऐसी हम तुझसे प्रार्थना किया चाहते पिता।
हम प्रार्थना करते हैं सह पिता परमेश्वर प्रभु जी भाई विजय कुमार मोटियानी के लिए पिता, जिनका भी पिता परमेश्वर 19/4 को पिता परमेश्वर बर्थडे है पिता परमेश्वर, भाई जगदीश लालवानी के लिए प्रभु जिनका 23/4 को बर्थडे है पिता परमेश्वर प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तेरी दासी के लिए पिता परमेश्वर जो तेरे दास की पत्नी है पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु प्रभु जो मेरी सासू माँ है पिता परमेश्वर सिस्टर मेरियन शोरीना के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिनका 24 तारीख को बर्थडे प्रभु, तू हर एक को और उन्हें प्रभु जी आशीष करे ऐसी मैं उससे प्रार्थना किया चाहता हूँ पिता परमेश्वर, इनका जीवन पिता परमेश्वर ओ प्रभु लोगों के लिए आशीष का कारण बनने पाए, इनका जीवन पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरी महिमा का कारण बनने पाए ऐसे उससे प्रार्थना करते हैं, जब तेरी दासी पिता परमेश्वर सेवा में तेरे दास के साथ लगी हुई है पिता परमेश्वर प्रभु जी, हो पिता परमेश्वर तू उन्हें और आशीष दे स्वस्थ भरा चंगा रख पिता, ऐसी हम तुझसे प्रार्थना किया चाहते पिता, धन्यवाद करते प्रभु तूने हमारी प्रार्थना को सुना पिता परमेश्वर, इस छोटी सी विनती प्रार्थना और निवेदन को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको आज इस रविवार की आराधना में मैं फिर एक और बार स्वागत करता हूं, और आप सबको सूचना के क्रम में बता देना चाहता हूं कि अगले लॉकडाउन खुलने की अवस्था में जब तक हम नहीं आते हैं तब तक के लिए जो कलीसियाई इंतज़ाम है, रोज़ शाम को 6 बजे हम जो डेली ब्रेड कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं वो उसी प्रकार से चलता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मेरी अपील है कि अपने कामों से निवृत्त होकर और उस डेली ब्रेड कार्यक्रम को ज़रूर सुने और उसमें शिरकत हासिल करते रहें, आत्मिक भोजन को प्राप्त करते रहें। साथ ही शनिवार के दिन में शाम को 4 बजे का समय है, और अगले रविवार की आराधना में सुबह 9 बजे हम फिर परमेश्वर के वचन के अनुसार रविवार की आराधना में शामिल होंगे। ये हफ्ते भर का कार्यक्रम इस प्रकार से रहेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप अपने घरों में बने रहें, सरकारी नियम आदेश का पालन करते रहें, और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर बहुत जल्दी इस लॉकडाउन से पूरे विश्व को आज़ाद करें और सब कामों को हम सुचारू रूप से कर सकें, और हम मिलकर प्रभु की आराधना एक और बार करेंगे। बहुत जल्दी वो समय आने वाला है जब हम मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे, लेकिन जब तक सरकार हमें अलाव नहीं करती है तब तक इस प्रकार का जो आयोजन है उसको आप करते रहें, देखते रहें। थैंक यू। आगे बढ़ते हुए हम इस समय एक गीत गाएंगे, और गीत के दौरान अपनी भेंट और अपने दशमांश हम प्रभु को नजर करेंगे। सुनिएगा, याद रखिएगा, यदि आप हमारे माउंट कार्मेल यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ आराधना कर रहे हैं और आप किसी अन्य कलीसिया के भाग हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस समय जो हदिया होगा जब लॉकडाउन खुलेगा तब तक के लिए आप अपने पास उसे सुरक्षित रखें, और जब वो लॉकडाउन खुलता है तो आप अपनी ही कलीसिया में अपने पासवान को उसे हैंडओवर करें, और जो माउंट कार्मेल चर्च के सदस्य हैं वो अपनी अपनी हदिया, अपना भेंट, अपने दशमांश अपने पास सुरक्षित रखें, और जब लॉकडाउन खुलेगा तब हम आपसे शिरकत हासिल करेंगे, तब तक उसे आप अपने पास रखिएगा। और यदि आपके पास कोई ऐसे संसाधन हैं जिसके माध्यम से आप हमारे बैंक अकाउंट में उसको डाल सकते हैं तो आप उसे बैंक अकाउंट में डालिए। याद रखिएगा, ये मैं केवल माउंट कार्मेल चर्च के सदस्यों के लिए कह रहा हूँ। यदि आप किसी अन्य कलीसिया के सदस्य हैं, आपका हदिया, आपके भेंट, अपने दशमांश आप अपने पासवान को हैंडओवर करें, अपने पास्टर के अकाउंट नंबर में डालें या कलीसिया के अकाउंट में डालें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। आइए गीत गाकर हम प्रभु की आराधना करेंगे, और गीत के दौरान अपने अपने हदियों को खुदा के लिए नजर करेंगे।
चुके आसमां और महिमा गाए जमीन यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में चुके आसमां और महिमा गाए आइए उठाए हुए भेंट दशमांश जो आपने खुदा को नजर किए हैं, हालांकि आप लोग सब अपने अपने घरों में हैं, लेकिन हम उस उठाए हुए भेंट और दशमांश के लिए जो प्रभु के काम के लिए आप लोगों ने अलग किए हैं उसके लिए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, आपको धन्यवाद, आपकी महिमा स्तुति करते हैं इस सुंदर समय के लिए, विशेष तौर से प्रभु जी इस भेंट के लिए, दशमांश के लिए, जो लोगों ने तेरे काम के लिए नज़र किया है, इसे कबूल फरमा और देने वालों को बहुत ऐसे आशीष दे, जो नहीं दे पा रहे खुदावन देने की कुव्वत उनको मिलने पाए। प्यारे खुदावन प्रभु, इस समय विशेष तौर से जब हम आपके वचन में जाते हैं, वचन को समझने के लिए बल बुद्धि समझ और ज्ञान दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज सुबह फिर से परमेश्वर ने हमको यहाँ पर इकट्ठा किया है। अपने अपने घरों में आप लोग इकट्ठे हैं और आराधना कर रहे हैं, और मैं खुदा के कलाम में से कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा जो इन दिनों में परमेश्वर ने मेरे मन में कलीसिया के लिए रखी है। विश्वासियों से आज सुबह हम मुखातिब होंगे। मेरे अजीजों, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और उसके 21 पद को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5वां अध्याय और उसके 21 पद को हम इस समय पढ़ेंगे, और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, सब बातों को परखो जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। इस आयत को दो भागों में विभाजित किया है। पहली बात है सब बातों को परखो। मेरे अजीजों, जांचने के लिए तोलने के लिए, मापने के लिए कुछ संसाधन हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहां पौलुस जो है आत्मिक बातों के लिए बोल रहा है। जैसे आपको दूध की क्वालिटी को नापना है तो दूध को आपको उस मापक यंत्र में डालना होगा, और उससे आपको उसकी प्योरिटी या उसमें कितनी मिलावट है वो मालूम पड़ेगी। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन के अंदर परखने का आत्मा प्रभु ने हमें दिया है। हर विश्वासी को, अगर आप पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसके 10 पद को पढ़ेंगे,
मेरे पास समय नहीं कि मैं पूरी आने वाली पिछली 10 आयतें आपके साथ शेयर करूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का दास वहां पर पौलुस जब उस बात को लिख रहा है, तो आइए हम निकालें उस आयत को, पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसके 10 पद को हम पढ़ेंगे। लेकिन 10 पद से पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके अंदर पहली जो आयतें हैं उसमें आत्मिक वरदानों के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में जो मनुष्य को दिया गया है, पवित्र आत्मा एक ही है ध्यान रखना, लेकिन उसके वरदान अलग अलग है और हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा मिला हुआ है। और जिस व्यक्ति को पवित्र आत्मा मिला हुआ है तो मैं ऐसा सोचता हूं उसे परमेश्वर की ओर से एक परख का आत्मा भी मिला हुआ है। और पचे वचन को हम पढ़ेंगे, 10 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, फिर किसी को सामर्थ को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्मा की परख। आत्मा की परख, मेरे असीसो, पौलुस अपने पत्री में बोलता है सब बातों को परखो और जो अच्छी है उन्हें पकड़ो, क्योंकि अगर आपने जांचा नहीं, परखा नहीं और उसे पकड़ लिया या उसे अपने जीवन में ले लिया तो वो चीज आपको नरक पहुंचा सकती है। याद रखिएगा, परमेश्वर ने मुझे और आपको पवित्र आत्मा दिया है। नंबर 1, हम में से हर एक को परमेश्वर ने पवित्र वचन दिया है। ये वचन भी आपको परखने में मदद करेगा कि किस प्रकार कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। यह विषय प्रभु से मैं पूछ रहा था कि प्रभु, इन दिनों में जब लोग लॉकडाउन में हैं और अपने अपने घरों में हैं और हर व्यक्ति अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, अपने लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा है, हो सकता है अपने टीवी का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, और इन दिनों में बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी शिक्षाओं के वीडियोस, गलत शिक्षाओं के वीडियोस भी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और मेरा फर्ज और कर्तव्य और दायित्व बनता है कि मैं मेरी कलीसिया के लोगों को इस बारे में चिताऊं और समझाऊं और सिखाऊं कि कौन सी बात अच्छी है, कौन सी बात पकड़नी है और कौन सी बात छोड़नी है, या मापने के लिए पहली बात आपके पास पवित्र आत्मा है, कॉन्शियस है आपके पास। नंबर 2, आपके पास परमेश्वर का वचन है। नंबर 3, आपके पास अच्छे अगुवे हैं। अगर पवित्र आत्मा आपको गाइड कर रहा है बहुत अच्छी बात है, पवित्र आत्मा आपको बताएगा व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें दिया ही इसीलिए गया है कि वो हमारी रक्षा करता है और हमारे आध्यात्मिक जीवन के अंदर हमारी मदद करता है, सहायक के रूप में हमें दिया है। व्हाट इज रॉन्ग कायल की आत्मा है, वो व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट वो हमें बताता है। उसके बाद परमेश्वर का वचन हमें तुलना, अगर किसी बात को जांचना है, परखना है, तो इमीडिएटली कोई भी बात ऐसी है ये सही है या नहीं है उसको जांचने और नापने के लिए तुरंत परमेश्वर के वचन में जाना है। मे बी हो सकता है परमेश्वर का वचन कोई आयत आपको है और आप उसमें कंफ्यूज हैं, क्योंकि बाइबल में बहुत सारी जगह पर एक ही बात नहीं लिखी है, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, और उनमें से कौन सी बातें सिद्धांत के रूप में हैं और कौन सी बातें सिद्धांत के रूप में नहीं है। बाइबल की हर एक आयत को पकड़ के सिद्धांत बना देना वो बहुत गलत है। और बहुत सारे लोग, और विशेष तौर से वो लोग जो कल्ट में जीवन जी रहे हैं, जो कल्ट को पनपा रहे हैं, अक्सर वो लोग केवल एक आयत को अपने जीवन का सिद्धांत बना लेते हैं। पौलुस की किसी भी, आज सुबह परमेश्वर के वचन से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर उस बात को परखो
ये वचन के मुताबिक है या नहीं है। क्योंकि एक दिन ध्यान रखना, परमेश्वर भी आपको परखेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 1 पद से 6 पद तक हम पढ़ेंगे और वहां पर उस बात को से सीखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या कहता है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसके 1 से 6 पद तक। हालेलुया। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। कोई भी आत्मा प्रचार कर रही है, कोई भी प्रचारक प्रचार कर रहा है और आप उस प्रचारक को देखकर प्रभावित होते हैं। मे भी हो सकता है उसका प्रचार करने का अंदाज आपको अच्छा लग रहा है, पर जो उसके मुंह से निकल रहा है वो वचन वचन के मुताबिक है या नहीं, वो देखना है। हर ए प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो, प्रचारकों को, भविष्यवाणी करने वालों को परखो कि ये आत्मिक जीवन में है या नहीं, ये परमेश्वर की ओर से बोल रहे हैं या नहीं। ध्यान से सुनिएगा, वचन तो शैतान को भी आता है, बहुत भरा हुआ उसके पास भी। वो भी जब भी आपसे वार्तालाप करेगा, वचन से वार्तालाप करेगा। जब यीशु मसीह की परीक्षा का समय आया तो शैतान ने यीशु मसीह से जब भी बात करी तो उसने हमेशा यही कहा, लिखा है। उसको कैसे पता? इसका मतलब यह है कि वचन के बारे में उसको पूरी जानकारी है। तो हर व्यक्ति को पूरी बाइबल याद है या वचन बहुत उसको बाय हिप्स याद है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो अपने जीवन में अंदर सही है। सही और गलत का आपको आलंकन करना होगा। अपने आध्यात्मिक जीवन को बचाना है, अपने परिवार के आध्यात्मिक जीवन को बचाना है, स्वर्ग यदि जाना है तो आज सुबह का जो मेरा मैसेज है उसको ध्यान से सुनना है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको बरगला देंगे, मैं आपको बताऊंगा। और वहां लिखा है वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल आए हैं। ये बात यूहन्ना ऐसे ही नहीं लिख रहा है, ये उन दिनों में भी झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उन दिनों में भी झूठी भविष्य करने वाले लोग पाए जाते थे और आज के युग में तो भरमार है। लोगों ने भक्ति को कमाई का द्वार बना लिया है। मेरे अजीजों, वचन कहता है, दूसरी आयत में मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 6 आयत तक अपन इसको पढ़ेंगे, परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो, जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वह परमेश्वर की ओर से है। तीसरी आयत को लाएंगे और हम पढ़ेंगे, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती और परमेश्वर की ओर से नहीं है, वह परमेश्वर की ओर से नहीं है, ही इज नॉट फ्रॉम द साइड ऑफ गॉड, वह तो मसीह का विरोधी आत्मा है जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो, लिसन केयरफुली, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है। किस पर जय पाई है? हमने शैतान पर जय पाई है, हमने झूठी शिक्षाओं पर जय पाई है, हमने गलत बातों पर जय पाई है, हमने गलत आदतों पर जय पाई है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमारा परिश्रम बिगाड़ दे। यहां लिखा है क्योंकि तुम जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। मेरे अजीजों, वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है, पर हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। जो परमेश्वर को जानता है, जो ये दावा करता है कि मैं परमेश्वर का हूं, यूहन्ना कहता है वो हमारी सुनता है, यानी अपने अगुवे की सुनता है। वैसे भी देखिए, बाइबल बोलती है भेड़ किसी और की नहीं सुनती, भेड़ केवल
अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती है। भेड़ किसी और के पीछे नहीं जाती वरन अपने चरवाहे के पीछे जाती है। आज सुबह मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा, टू स्पिरिट्स आर वर्किंग इन दिस वर्ल्ड, और बड़ी खूबसूरती से शैतान हमारे आध्यात्मिक जीवन का पतन कर देता है और हमें पता नहीं चलता। अगर आप पहली अदन की वाटिका का दृश्य को अपने सामने लाएं, तो किस खूबसूरती से शैतान ने आकर हवा को बहकाकर उससे पाप करवा दिया और अदन की वाटिका से उन दोनों को वंचित करा दिया है। ध्यान से, इसी खूबसूरती से शैतान आज भी मसीही परिवारों में गलत शिक्षा का बीज बोकर तुम्हें खूबसूरती से अदन की वाटिका से, तुम्हारी कलीसियाओं से और तुम्हें स्वर्ग से वंचित करना चाहता है। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से शैतान ने दावा भरा कि तुम निश्चय नहीं मरोगे और तुम परमेश्वर की समानता और तुल्य बन जाओगे, जबकि आप सब जानते हैं कि पहला आदम परमेश्वर के तुल्य था, परमेश्वर की समानता उसकी इमेज में था, लेकिन वहां वो चुना हुआ व्यक्ति भी जो परमेश्वर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में था वो भी भ्रमित हो गया। तो मेरी और आप की कितनी चौकसी करने की हमें जरूरत है। तो आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, सत्य की आत्मा, सत्य का वचन और भ्रम का वचन, भ्रमित करने वाले लोग, बहका देने वाले लोग, ये सब शैतान की सेना से हैं। कल्ट हैं, झूठी शिक्षाओं में लोगों को ले जाना चाहते हैं और इस प्रकार से ले जाकर वो नरक पहुंचा देंगे आपको। मेरे अजीजों, आप इस बात का ध्यान रखें कि कहीं ऐसी झूठी शिक्षा के मैं और आप में से कोई परिवार शिकार ना हो जाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें और गहराई से इन बातों को बताता है कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि हम अपने आप को जांचें, प्रभु में हैं या नहीं। ये व्यक्ति जो YouTube पर प्रचार कर रहा है, ये प्रभु में है या नहीं? आपको तो सब प्रभु में लगते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक अभिषिक्त व्यक्ति को जिसका जिक्र सैमसन के बारे में बोल रहा हूं मैं, न्यायों की किताब में से, जब न्यायों की किताब में हम बात करते हैं तो सैमसन को परमेश्वर ने कहा था किसी लोत को मत छूना, और उसने क्या किया, एक दफा जाते समय शेर को मार दिया और मारने के बाद वहां से वो निकल गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वो वापस वहां से जा रहा था, उसके दिल में एक इच्छा हुई कि मैं उस मरे हुए शेर को देखूं, और जब वो मरे हुए शेर के पास गया तो वहां पर एक विचित्र चीज उसके जीवन में घटी। उस मरे हुए शरीर के हड्डियों में शहद का छत्ता लगा हुआ था। नो डाउट हनी जो है, शहद जो है, वो खाने की चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर बात यह है कि जब उसने उसके पास गया और जाकर उसे उस हड्डियों के अंदर से उसको तोड़ा और खाया, तब वो अशुद्ध हो गया। परमेश्वर इस बात से नाराज हुआ। क्यों? आज्ञा टूटी। क्या आज्ञा थी? उसको छूना मत। छूने की बात छोड़ो, इसने तो वो काम किया कि उसमें से तोड़ा और खाया, और वो बात उसके जीवन के लिए घातक सिद्ध हुई। आध्यात्मिक जगत में छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको मैं कहना चाहता हूं, आप अपने अभिषेक को खोनेंगे, आप अपने अभिषेक में बने नहीं रह पाएंगे। जैसा सैमसन के जीवन में शुरुआत हो गई थी वहां से कि उसने वो गलत काम किया, हनी निकल रहा है,
आप में से बहुत से लोग बोलते हैं सुना तो वो वचन ही रहे ना। अरे भाई सुना तो वचन रहे हैं लेकिन वचन निकल कहां से रहा है? मरी हुई हड्डियों में से, मृत शिक्षाएं। आज बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं संसार में पाई जाती हैं। मेरे अजीजों, चमत्कार को भी लोग बहुत नमस्कार करते हैं। चमत्कार होना स्वाभाविक है। जहां यीशु मसीह होगा, जहां यीशु का नाम लिया जाएगा, वहां स्वाभाविक है कि चमत्कार होगा। लेकिन हर जगह चमत्कार हो रहा है और सही शिक्षा है वहां पर, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह अपने नाम के निमित्त भी काम करता है। जब लोग उसका नाम बीच में लेते हैं तो परमेश्वर जो है उस काम को वहां पर करता है। तो मैं आपसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप इस बात को समझें जो उचित है। फिलिपियों की पत्री 4:8 में लिखा है कि जो जो बातें उचित है, अच्छी है, पढ़िएगा उसको। मैं आपके सामने खोलना चाहूंगा फिलिपियों की पत्री 4:8 को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। निदान हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, और जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो बातें सद्गुण और प्रशंसा की हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। और जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की हैं और सुनी हैं और मुझ में देखी हैं, उन्हीं का पालन किया करो। मेरे अजीजों, तब शांति का सोता परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? बहुत सारी अनुचित बातें, बहुत सारी अनुचित बातें। मैं एक छोटी सी बात आपके सामने लाना चाहता हूं। 1 कुरिन्थियों 11 और उसके 7 से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यह एक विषय है जिसके पर मुझे बहुत चिंता है और मैं चिंता के साथ बताना चाहता हूं। यहां लिखा है, हां पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं है। 1 कुरिन्थियों 11:7 में लिखा हुआ है, पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं है क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है। क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं और परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। पुरुष में से स्त्री निकाली गई है, इसलिए स्त्री बाद में आई है, पुरुष पहले आया है। पुरुष प्रधान है और स्त्री जो है वो उसकी अधीनता में है। और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है। और उसी लिए स्वर्गदूतों के कारण उसी को उचित है कि अधिकार अपने सिर पे रखे, यानी अपना सर ढांक कर आराधना करे। क्यों स्त्री को सर ढांकने के लिए कहा गया है? यहां जो अधिकार शब्द है उस पर एक स्टार बनाया हुआ है और स्टार के नीचे अगर उसको और क्लियर किया है, उसको लिखा है अधीनता। स्त्रियों को सर ढांक कर आराधना करनी चाहिए, लेकिन आज क्या वचन हमें नहीं सिखाता? क्या हम जिस कलीसिया में पाए जाते हैं बाल्य अवस्था से, क्या हमें यह शिक्षा नहीं दी गई कि हमें स्त्रियों को सर ढककर प्रभु की आराधना करना चाहिए और कराना चाहिए? रखते हुए आप करिए। पिछले दिनों में यदि आपसे गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, आप उसको रेक्टिफाई कर लीजिए। बहुत हो सकता है मेरी बात से बहुत सारे लोगों को आज दुख पहुंच रहा होगा, सहमत नहीं होंगे मेरे से, लेकिन आप ना हो भले से सहमत मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु जो सत्य है
जो सच्चाई है, जो बात कहनी है विश्वासियों से, विशेष तौर से विश्वासियों से, उनको कहना ही है। और ऐसा नहीं करने से आपके जीवन में अशांति आती है, आप परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता है। मेरे अजीजों, जो अच्छी बातें उन्हें पकड़ो। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहां पर अपन देखते हैं कि स्त्रियों के लिए ये जरूरी है कि वो सर ढांक कर अधीनता में, अधीनता को शो करें, अधीनता को दिखाएं कि मैं परमेश्वर की अधीनता में हूं, मैं अपने पति की अधीनता में हूं। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:6 दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका 3:6 को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता है। अनुचित और उचित का मूल्यांकन आप कैसे करेंगे? मैंने पहले ही आपको बताया कि आपको आपके पास कुछ चीजें हैं जिनके द्वारा आप उचित और अनुचित का मूल्यांकन कर सकते हैं। पहली बात, पवित्र आत्मा है, वचन है, अगुए हैं, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग वो आपको बताएंगे, और आपके पास खुद के पास खुदा का कलाम है, खोल के पढ़िए। और वहां लिखा है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि ऐसे हर एक भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता है। जो शिक्षा हमको दी गई उसके विपरीत चलता है। मैं आपको अभी और बताऊंगा, जो अनुचित चाल चलता है और जो उस शिक्षा में, ध्यान से सुनिएगा, और जो शिक्षा उसने हमसे पाई है उसके अनुसार नहीं चलता। कलीसिया की बेसिक शिक्षाओं में ये बातें आती हैं, और आज हम देख रहे हैं कि इस युग में, क्योंकि ये आधुनिक युग है, मॉडर्न युग है, जब हम ऐसी बातें प्रचार करते हैं तो लोग हमें बोलते हैं, ओ आप तो 14वीं शताब्दी के पादरी हो। भैया, शताब्दी कोई सी भी हो, 21वीं हो या 22वीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वचन नहीं बदलता। मेरे बाद भी जो लोग आएंगे, अगर वो सच्चे प्रचारक होंगे तो यही प्रचार करेंगे, वचन उठाकर ही प्रचार करेंगे। लेकिन आज झूठी शिक्षाओं का बोलबाला इस तरीके से है और हम उसके प्रशंसक हैं। मैंने आपको बताया कि मैं गलत प्रार्थना पर आमीन भी नहीं बोलता। क्यों? मुझे मेरा अभिषेक बचा के रखना है। क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं? जब कोई प्रार्थना करता है तो ध्यान से उसकी प्रार्थना को सुनो, और अगर वो प्रार्थना आत्मिक है तो जरूर उस पर आमीन बोलो। लेकिन बेफिजूल की प्रार्थना कर रहा है, श्रापित कर रहा है लोगों को, फालतू की बातें कर रहा है प्रार्थना में, ऐसी प्रार्थनाओं पर आमीन बोलने वाला भी श्रापित और दंडित हो जाएगा। ध्यान रखना, वचन कहता है जो शिक्षा हमने उसने हमसे पाई है उसके अनुसार नहीं करता। आइए एक और दो आयतें मैं आपके साथ पढ़ूंगा, रोमियो की पत्री 16:17 को पढ़ें जल्दी से, रोमियो की पत्री 16:17। और यहां लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, शिक्षा समझते हैं आप, वो बातें जो आपने बचपन से सीखी है, बाल्यावस्था से सीखी है। देखिए, इस कलीसिया में जो लोग आ रहे हैं उनने बाल्यावस्था से यह सीखा है कि हमें सर ढक के आराधना करनी है। लेकिन अगर आज बेटियां और कलीसिया की स्त्रियां इस बात से बेपरवाह हैं तो आपने उस शिक्षा से अपना मन हटा लिया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह आपके लिए, आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए घातक हो सकता है।
कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट पड़ने और ठोकर खाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। YouTube के ऊपर भी, YouTube चैनल के ऊपर भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो ग्रहण करने लायक नहीं है। मैं आपका अगुवा होने के नाते आपको आगाह करना चाहता हूं, कहीं ऐसा ना हो इन 40 दिनों में परमेश्वर की नजदीकी में आने के बजाय उन झूठी शिक्षाओं पर मन लगाकर हम प्रभु से भटक जाएं। ये चिंता मुझे सता रही थी। कई दिनों से मैं इस बात पर मनन कर रहा था, खुदा बाप मैं क्या करूं, मैं किस प्रकार से इस संदेश को लोगों तक पहुंचाऊं। और कल जब मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ने मुझे यह आयत दी और इस आयत से आज सुबह मैं अपने विश्वासियों से बात कर रहा हूं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मेरी बात से सहमत ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से, ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी कलीसिया के लोगों को इस YouTube चैनल के माध्यम से इस बात के लिए आगाह करना चाहता हूं, हर YouTube चैनल मत देखिए। एक प्रचारक, उसके बाद आइए हम पढ़ेंगे दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय और उसके 7 पद से 11 पद तक, जिससे आपको बहुत गहरी शिक्षा मिल जाएगी। आज द बुक ऑफ 2 जॉन 1:7 यहां लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, और भरमाने वाला मसीह का विरोधी यही है। 8वें पद में लिखा है, इसलिए अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है। मेरे अजीजों, इस कलीसिया को सींचने में, इस कलीसिया के जो 400 से अधिक परिवार यहां पर आते हैं, उनकी सिंचाई करने में, उनके जिंदगी में हरियाली लाने में यहां के अगवों ने बहुत प्रयास किया है, ये आप सब जानते हैं। और आज शाम, आज हर एक शाम को जो मैं प्रयास कर रहा हूं वो भी यही है। यहां लिखा हुआ है, चौकस रहो जो परिश्रम हमने किया है। हमने बहुत मेहनत की आपके परिवार में, उस परिश्रम को तुम बिगाड़ ना दो। यहां लिखा है, उनको तुम ना बिगाड़ो। कौन बिगाड़ रहा है? वो दूसरे चैनल जिनको आपने चैनलाइज किया हुआ है। आप कहेंगे, पास्टर आज तो चैनल के पीछे पड़े हुए हैं, बहुत खतरनाक चीज है, इसलिए बोलना बहुत जरूरी है। कोई खतरे की चीज होती तो बताना पड़ता है ना, भाई बहुत खतरा है, इसको छूना नहीं। मैं भी इन दिनों में देख रहा हूं, व्हाट इज राइट, व्हाइट, व्हाट इज रॉन्ग। मेरे अजीज हो, यहां लिखा है, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो शिक्षा हमने यहां पर आपको दी है, संडे स्कूल से लेकर के आज तक जो कुछ आपने सीखा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो परिश्रम 2 मिनट का वीडियो बिगाड़ दे। शैतान ने जब ज्यादा हवा से ज्यादा लंबी वार्तालाप नहीं की थी। और मैं मां बाप से कहना चाहता हूं विशेष तौर से, गलत बातों में शय मत दो, प्रमोट मत करो गलत बातों को अपने जीवन में और अपने परिवार में। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद अपने परिवार की आध्यात्मिक जीवन पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जो शिक्षा हमने बाल्यावस्था से पाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आज भी उन सिद्धांतों में बना रहना चाहता हूं जो मैंने बाल्यावस्था से पाया है। और मैं आपसे भी अपील करना चाहता हूं, उस परिश्रम को जो आपके अगुओं ने आप में किया है, उसे कोई बिगाड़ ना दे, कोई YouTube चैनल अब बिगाड़ ना दे। इसलिए अपनी गहरी चिंता अपने विश्वासियों के लिए प्रकट कर रहा हूं, बी केयरफुल एवरी बिलीवर। और उसके बाद लिखा है, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। आगे बढ़ेंगे, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, बहुत से लोग ओवर स्पिरिचुअल हो जाते हैं,
स्पिरिचुअल होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर आत्मिक जो है नहीं वो अपने आप को शो करना, और उस शिक्षा में बने नहीं रहते जो हमें मिली है। थोड़े दिनों के बाद हम ये समझने लगते हैं कि हमारा पादरी से ज्यादा हम समझते हैं। खुदा करे ऐसा आप समझदार हो जाएं, हमारी भी दुआ है ये खुदा से। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो किसी मुखालते में पढ़कर आपने अपने आध्यात्मिक जीवन को खराब कर दो। हवा और आदम ने, दोनों ने मिलकर अपने आध्यात्मिक जीवन को खराब किया, अदन की वाटिका से वंचित हो गए। जो शांति और खुशी और आनंद उनके जीवन में थी, उन दोनों पारिवारिक जीवन में थी, वो खत्म हो गई, और आज वो बर्बादी के कंगार पे खड़े हो गए। यहां तक कि खुदा को निर्णय लेना पड़ा कि अदन की वाटिका से उन्हें बाहर निकलना पड़ा। मेरे अजीजों, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी रहता है, ध्यान से सुनने का, और उसके पास पुत्र भी रहता है। प्रेज द लॉर्ड। एंटायर बाइबल त्रिएक परमेश्वर की ओर ले जाती है। जिसके पास पिता है उसके पास पुत्र भी है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास पिता भी नहीं है। दसवें पद में, यदि कोई हमारे पास आए और यही शिक्षा ना दे। कौन सी? कुछ लोग बोलते हैं सर डांकना जरूरी नहीं है भाई, उपाय है। क्या इतनी जल्दी बहक जाओगे? पौलुस गलतियों की पत्री को अगर लिखते समय देखते हैं हम, गलतियों की पत्री क्या है? बहक गए, उल्टे फिर गए, बैकस्लाइड हो गए। क्यों? किसने? पौलुस कहता है तुम तो भली बात ही दौड़ रहे थे, तुम तो अच्छी शिक्षा में दौड़ रहे थे, अब क्या हो गया तुम्हें? किसने तुम्हें बहका दिया कि तुम मसीह की शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाते? एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, वचन के अनुसार जब आप चलोगे लाभ ही होगा। सर ढककर लड़कियां आराधना कराएंगी, प्रचार करेंगी, तो रास्ते खुले रहेंगे, वरना रास्ते सीमित होने लगेंगे, दायरा कम होगा। क्योंकि वो कलीसियाएं जो इस सिद्धांत में हैं कि स्त्रियों को सर ढक के आराधना करनी चाहिए, वो कलीसियाएं आपको बुलाना बंद कर देंगी। इस मंच से मैं ये बात आपको बोल रहा हूं। आप अपने रास्ते सीमित करना चाहते हैं, उतार दीजिए माथे से। आप अपने दायरों को संकुचित करना चाहते हैं, उतार दीजिए। यदि आप अपने दायरों को बढ़ाए रखना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं, वचन के अनुसार चलते रहिए। बड़े खुश हो लेते हैं हम, सर उगाड़ के आराधना करा लेते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं। खुदा से पूछा कभी, क्या खुदा तू खुश हुआ मुझसे कि मैंने उगाड़े सर अधीनता को ताक में रख के आराधना कराई है, तेरे वचन को ताक में रख के तेरी आराधना की है? क्या खुश हुआ खुदा? कभी पूछा है गहराई से जाकर के? नहीं ना, बस अपने मुंह में हम ठू गए, बस मुझे इतने व्यूज मिल गए बस उस बात से, इस बात से सरोकार मत रखो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पर उस बात से मतलब रखो कि ऊपर से एक आवाज आए कि मेरी बेटी मैं तुझसे प्रसन्न हूं, मेरे बेटे मैं तुझसे प्रसन्न हूं। हालेलुया। बचिए झूठी शिक्षाओं से। ये तो एक बात है बस जो मैंने आपको बोली है जिससे आप समझ पाए, लेकिन ऐसी बहुत सारी झूठी शिक्षाएं आज YouTube चैनल के माध्यम से आ रही हैं। दूसरी बात मैं बता दूं आपको देने के विषय में, देने के विषय में बहुत सारे लोग विरोध में हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आप कमाएं और अपने घर में तनख्वाह लाके नहीं दे, घर घर से चलेगा?
देश को यदि टैक्स ना दें तो देश कैसे चलेगा, और कलीसिया में यदि भेंटे और दशवास ना आए तो कलीसिया कैसे चलेगी, राज्य कैसे बढ़ेगा। ऐसे प्रचारक वो हैं जिनके पास कलीसियाएं नहीं होती और पास्टरीय हृदय नहीं होता। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, मैं विशेष तौर से मेरी अब इस चैनल के माध्यम से मेरी कलीसिया के विश्वासियों को संबोधित करके कहना चाहता हूं, इन 40 दिनों में अभी मैंने देखा, पहले 21 दिन का लॉकडाउन हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह बात भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, पहले 21 दिन का लॉकडाउन हुआ, बाइबल में जितने 21 दिन थे सब खंगाल के यूट्यूब पर डाल दिए। दानियल के समय में 21 दिन उपवास में रहा, ओहो, 21 दिन इसलिए हो गया। अब मोदी जी ने बाद में 19 दिन और बढ़ा दिया, 40 हो गए, 40 दिन जितने भी है बाइबल में खोद के निकाल के डाल दिए, अभी 60 कर देगा, क्या डालेगा। कुछ लोगों ने मुझे फोन किया, भाई साहब ये 40 दिन हो गया अभी इसका क्या, ये 40 दिन नून है, 40 दिन नू किस्ती में बन रहा, 40 दिन वो बन रहा, ये रहा, 40 दिन की जितनी आए थे सब निकाल के डाल दी। मैं लोगों से कहना चाहता हूं, हर चीज को फालतू में जोड़ जोड़ करके लोगों को भ्रमित मत कीजिए। हो सकता है 40 दिन के बाद भी लॉकडाउन बढ़ जाएगा, तब क्या करोगे, फिर क्या ढूंढोगे। ऐसे बहुत सारी झूठी बातें, झूठी शिक्षाएं, झूठी चीजें। सिर्फ मैं आपसे कहना चाहता हूं इस मंच से, प्रभु में बने रहिए, हालेलुया। और मैं 11वां पद को आपके लिए पढ़ूंगा, और वहां लिखा है, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, प्रमोट करता है, उसका आदर करता है ना, शेयरिंग करते हैं ना आजकल अपन, गलत वीडियोस को शेयर मत करो। आलंकन करो कि यह शेयर करने लायक है या नहीं, यह प्रचारक या प्रचारिका ने जो प्रचार किया है आगे बढ़ाने लायक है या नहीं। वरना मैं आपसे कहना चाहता हूं, खंडन करना सीखो, खंडित करो उसको, श्रमित करो उसे, शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें बोलते हुए तुमको। वरना बाइबल बोलती है उसके बुरे काम में हम क्या हो जा रहे हैं, साझी हो रहे हैं, उसके विकट वर्क में हम साझी हो रहे हैं, उसके दुष्ट काम में हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं। मैं किसी भी गलत वीडियोस को प्रमोट नहीं करता हूं, मैं पहले उसे खुद देखता हूं, और मुझे लगता है कि इससे लोगों को कुछ शिक्षा मिलेगी तभी उसको मैं प्रमोट करता हूं। मेरे अजीज, आज सुबह के समय में मैं आपसे कहना चाहता हूं, इब्रानियों की पत्री 3:6 मैं कुछ आयतें आपको देना चाहता हूं जिससे आपको समझ में आए। पर मसीह के पुत्र की नाई, हम उसके घर के अधिकारी हैं और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, जो कुछ हमने पाया है उसे थामे रहे, अंगीकार जो हमें हमने किया है उसको पकड़े रहना है। डोंट लूज, उस शिक्षा में बने रहो जो तुमको मिली है, तुम्हारे पासबानों ने, तुम्हारे अगुओं ने उसमें तुम्हारे साथ मेहनत की है। कोई भी आएगा और हमारी मेहनत को बेकार करके चला जाएगा। हेलो, यह हम होने नहीं देंगे, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसमें मेरे को आपका साथ चाहिए। जो बलवंत हैं, जो बड़े विश्वासी हैं, अपने आप को बड़े विश्वासी समझते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, वीडियोस को फॉरवर्ड करने से पहले जरा जांचो सही शिक्षा में है या नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, थामे रहो। दो बातें बोलूंगा बस आज,
पहली बात परखो, अच्छी है होल्ड इट, लूज कर, ठीक नहीं है, उचित नहीं है, अनुचित है, वचन के मुताबिक सही नहीं है, लीव इट। जब आप इस आयत को अपने जीवन में पकड़े रहेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मसीही जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। कोई दुनिया की ताकत आपको मसीह मोहब्बत से और मसीह प्रेम से जुदा नहीं कर पाएगी। वचन कहता है 14:6-14:10 पढ़े, 14 भी पढ़े इसी का 14। देखिए यहां लिखा है, सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्गों से होकर गया है अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। थामे रहने का मतलब होता है होल्ड करते रहे, पकड़े रहे। जो अच्छा है उसे पकड़ो, जो बुरा है उसे छोड़ो, और बुरे और अच्छे का आलंकन करो। और आलंकन करने के लिए परमेश्वर ने कुछ आपको चीजें दी है, आपको अगवे दिए हैं। मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर हवा बोलती शैतान से, ठीक है हम पूछेंगे फिर बात करेंगे, तो मेरा ख्याल है वो पाप में नहीं गिरती, वो झूठी शिक्षा में नहीं गिरती, वो भ्रमित नहीं होती। आप भी मुझसे आकर पूछ सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं, पास्टर ये चैनल पे मैंने ये चीज को देखा, हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका अगवा आपको सही बात बोलेगा। देखिए एक बात बताना चाहता हूं, आप में से बहुत से लोगों को गुस्सा आ रहा होगा और आप बोलेंगे आप कौन होते हो हमारे जीवन में हस्तक्षेप करने वाले, हमारे परिवार के अंदर हस्तक्षेप करने वाले आप कौन होते हो। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपके परिवार में परमेश्वर ने पति पत्नी और बच्चे दिए हैं, फिर आप कौन है आपके बच्चों के जीवन में हस्तक्षेप करने वाले? इस बात का जवाब क्यों आप अपने बच्ची को, जवान बच्ची को बाहर नहीं जाने देते? क्यों आप अपनी बच्ची को, जवान बच्ची को अकेले नहीं जाने देते? या आप अपनी बच्ची के पहनने ओढ़ने पर या सब चीजों पर अंकुश लगाते हैं? क्यों आप हस्तक्षेप करते हैं उनकी लाइफ में? इसलिए करते हैं कि आप उनके माँ बाप हैं। और मैं हस्तक्षेप इसलिए करता हूं क्योंकि मैं आपका आत्मिक पिता हूं। जो मुझे अपना आत्मिक पिता या अपना गुरु मानता है या अगवा मानता है, मेरे को नहीं लगता कि वो ऐसा सवाल करेगा मुझसे कि आप कौन होते हो जो हस्तक्षेप करते हो, क्योंकि ये राइट मां बाप को परमेश्वर ने दिया है और मुझे मेरी कलीसिया के लिए मेरे परमेश्वर ने दिया है। आप घर के अंदर कोई व्यक्ति घर में आ रहा है और एक गलत धारणा के साथ आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपके घर में एक जवान बच्ची है और एक जवान लड़का है जो बार बार आपके घर में आता है। शायद वो जवान बच्ची तो नहीं समझ पा रही है, लेकिन क्या माँ बाप भी नहीं समझ पा रहे हैं? माँ बाप समझने लगते हैं कि इसका अधिक आने का कारण मेरे परिवार के लिए घातक हो सकता है, मेरी बेटी के लिए, मेरे बेटे के लिए घातक हो सकता है। तो क्या करते हैं माँ बाप? अंकुश लगाते हैं। क्यों लगा रहे हैं अंकुश? भलाई के लिए। मैं आपको YouTube चैनल देखने के लिए क्यों मना कर रहा हूं? दूसरे आपके और आपकी परिवार की भलाई के लिए। आपका अभिषेक बना रहे, 40 दिनों में अभिषेक खो ना दे, ऐसा ना हो कि कहीं और ही निकल पड़े आप, बाद में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड भी बंद हो जाए, सीधे खड़े हो जाओ, सीधे मर जाओ, इस उस तरीके कर तरीके में चले जाएं। बहुत सारी बातें हैं मेरे अजीजों, जो अच्छी है उन्हें थामे रहो, अंगीकार को थामे रहो। 10:23 पढ़े, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। मेरे अजीजों, कुल मिला के मेरा कहने का अर्थ यह है, जो शिक्षा हमको प्रभु की ओर से मिली है उसको थाम के रखना है। बहुत सारी और बातें हैं मेरे पास, लेकिन समय मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं और आगे बढ़ूं। लेकिन आज सुबह के समय में इस मंच से
इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको चिता देना चाहता हूं, जो अच्छी है पहले उसे परखो, अच्छी है या नहीं, अच्छी है होल्ड इट, वचन के मुताबिक है पढ़ी होल्ड इट, लेकिन अगर वचन के मुताबिक नहीं है छोड़ दीजिए उसको, प्रमोट मत कीजिए उसको, लाइक मत कीजिए उसको, शेयर मत कीजिए उसको, वरना आप तो गिरे जो गिरे सनम, हजारों को ले डूबेंगे, हजारों के जहाज को डुबो देंगे आप। आज सुबह के समय में मैं इस मंच से इस आयत को आपके जीवन का आधार बनाना चाहता हूं। पौलुस कहता है थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय उसके 21 पद में क्या कहता है, वो कहता है सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं और हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे और आपको, आप लोग अपने अपने घरों में हैं वहां खड़े हो जाएं, परमेश्वर हमें बल शक्ति और सामर्थ्य दे कि हम जो अच्छी बातें उनको पकड़ें, अच्छी का आलंकन करें, परखें, जांचें सही है या नहीं है, नहीं है तो छोड़ें, गलती हो गई है तो सुधारें। जो भी गलतियां पिछले दिनों में हमसे हो गई है उनको मान के आगे बढ़ें, सुधार कर लें। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, धन्यवाद स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर, इस सभा के अंत में प्रभु जी आपके वचन को जो हमने सुना प्रभु जी, मैंने अपनी गहरी चिंता इस वचन के माध्यम से हमने प्रकट की है प्रभु। प्यारे खुदा, कोई भी हमारी मेहनत को व्यर्थ बर्बाद ना कर दे प्रभु जी, हमने कलीसिया को सींचने में, विश्वासियों को आगे बढ़ाने में, विश्वासियों को शिक्षा देने में बहुत मेहनत की है खुदा। खुदा उस मेहनत का प्रतिफल बना रहे, लोग झूठी शिक्षाओं से अपने आप को बचाए रखे प्रभु जी। प्यारे खुदावन, तू काम कर, और तू काम करेगा तो तुझे कौन रोकेगा खुदा। सामर्थी परमेश्वर, झूठी शिक्षाओं पर मन लग रहा है, झूठी शिक्षाओं से हम अपने आप को बचाए रखें, सामर्थी परमेश्वर हमारे साथ हो, हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर, हम घटे और तू बढ़े प्रभु, ये हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। आज इस वचन के माध्यम से तू हमसे बोला, हमसे बातें की हैं, उसके लिए तुझे धन्यवाद। सारा आदर महिमा गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पागरु की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम तमाम ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रहे। हम सब बोले आमीन। थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। आज सुबह आपने हमारे साथ शिरकत हासिल की और आपने YouTube चैनल के माध्यम से जितने लोगों ने इसको देखा है या देखेंगे उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, और यदि आपने आशीष पाई है तो लोगों को शेयर करें और कमेंट्स करें, और घर में रहें, घर में बने रहें, सुरक्षित बने रहें और प्रभु के वचन के अंदर बने रहें। हालेलुया। यदि आपने आप मदद के हाथों को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारा अकाउंट नंबर हम नीचे डाल रहे हैं, उस अकाउंट में आप अपने धन को डाल करके उन गरीबों, उन भाई बहनों पर, उन नीडी पीपल्स पर जो है आप हम अपनी मदद को पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद, परमेश्वर आपको आशीष दे।